लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति का धरना जारी। यूपी के जनपद महाराजगंज के जिला मुख्यालय पर आज छठवें दिन संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। आज छठवें दिन भी जनपद भर के सभी साधन सहकारी समितियों पर ताला लटका रहा। आज जिला मुख्यालय पर छठवें दिन जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे साधन सहकारी समिति के लोग गरजते रहे और सरकार पर खूब बरसे। छोटी दिवाली का जहां कर्मचारियों को टीस मार रही थी, तो वहीं तीन सूत्री मांगों को लेकर आज आक्रोशित हुए कर्मचारियों ने जब तक मांगें पूरी न हो जाती हैं तब तक धरने पर बने रहने की हुकार भरी और मांग किया कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य को सिर्फ वेतन का भुगतान हो और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका बकाया शीघ्र ही उन्हें वापस दिलाया जाए आदि मांगों को लेकर छठवें दिन कर्मचारी जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर दिन भर गरजते रहे। ऐसा है कि हमारा यह धरने का कार्यक्रम जो है 1 नवम्बर से चालू है और हमारी मांग यह है कि हमारे 3 सूत्री मांग पत्र प्रदेश स्तर का है। पहला मांग पत्र है सहकारी समिति कर्मचारियों को राज कर्मचारी की बात राज की कोष से वेतन भुगतान कराया जाए। दूसरा मांग यह है कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों में रिटायरमेंट कर्मचारियों के कई वर्षों का लंबित बकाया वेतन का भुगतान कराया शासन से तत्काल कराया जाए। सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सचिव विक्रेता अंकित चपरासी और चौकीदार की सेवानिवृत्ति आय 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष किया जाए। इसी मांग को लेकर के हमारे प्रदेश स्तर ने यह 1 नवंबर से जो है विधानसभा का घेराव किया है और उसके बाद से आने के बाद से 2 तारीख से जनपद में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर पूरे जनपद के कर्मचारियों का यह धरना प्रदर्शन जारी है और तब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक हमारी यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और हमारा जो है शासन का जो मुख्य काम इस समय धान खरीद और खाद वितरण का काम है, समितियों से टोटल दोनों काम बंद है और यह भी तब तक बंद रहेगा जब तक यह जो है हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेगी, शासन स्तर से हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा धरना और प्रदर्शन जनपद में चालू रहेगा। और सभी समितियाँ जनपद में 100 कुछ समितियाँ हैं, सारी समितियाँ हमारे 196 समितियाँ जनपद महाराजगंज में आपके कार्यरत हैं और सभी समितियों में इस समय 1 नवंबर से ही तालाबंदी करके समिति के समस्त कार्यों का बहिष्कार किया गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक यह हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तब तक हमारा यह जारी रहेगा। इसी सब बातों जनपद महाराजगंज से गुलाम घोष की रिपोर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।